हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की क्लास नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली सॉफ्टवेयर में बैंकिंग एंट्री के दौरान में हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज कब करते हैं, पेमेंट वाउचर का हम यूज कब करते हैं और रिसिप्ट वाउचर का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के दौरान हम बेसिकली ये तीन टाइप के वाउचर हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर। तो हम आज की इस क्लास में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे भी किस कंडीशन में तुम्हें कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में हम पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं और किस कंडीशन में रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हम बैंक चार्जेस की एंट्री को टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं। अगर हमारे पास कोई बैंक मतलब स्टेटमेंट आती है और उस स्टेटमेंट के अंदर हमारे कोई चार्ज अगर लगा हुआ है, चार्ज आपका किसी भी रूप का हो सकता है, अगर उसके अंदर जीएसटी लगा हुआ है तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको बिना जीएसटी की बैंक चार्जेस की एंट्री अगर टेली सॉफ्टवेयर में करनी हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक से सेविंग अकाउंट का तो हम उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे, बैंक टू बैंक ट्रांसफर एंट्री किस प्रकार से करते हैं और एफडीआर की एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम बैंक स्टेटमेंट के थ्रू एंट्री करना सीखेंगे टेली सॉफ्टवेयर में। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन स्टूडेंट लोगों के लिए जो टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं या अब जस्ट उन्होंने अभी किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के रूप में जॉब की शुरुआत करी है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो शुरुआत हम करते हैं आज की इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट हमारे पास आया हुआ है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो एक्सेल के अंदर, हम ये मान के चलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमको बैंक ने प्रोवाइड करवाया है, यानी कि ये हमारी बैंक की पासबुक हम इसको ये समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमने पीरियड लिख रहा है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 20 जुलाई 2023 तक का इसके अंदर रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रांजैक्शन को देखें, यानी कि अगर हम स्टेटमेंट को देखकर अगर एंट्री करें तो किस प्रकार से हमें एंट्री करनी होती है, तो ये जो सारी बातें हमने जो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने देखा था, तो ये सारी के सारी एंट्री हमारी इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमें मिल जाएगी और सारी बातें हमें इसी एक स्टेटमेंट से सीखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमारा अकाउंट है और उस अकाउंट के दौरान हमारे पास कुछ ये डेट वाइज ट्रांजेक्शन है, जैसे कि हमने 1 जुलाई के अंदर कैश भी डिपॉजिट हुआ है, कुछ हमने पैसा विड्रॉल भी किया है, कुछ हमने ट्रांसफर भी किया हुआ है, कुछ हमारे पास पैसा आया भी है और एक हमारा कुछ बैंक चार्जेस भी लगा हुआ है जिसके अंदर हमारा GST भी साथ में लगा हुआ है और कुछ हमने पेमेंट भी करी है, कुछ हमने FDR भी कराई है, यानी कि FD हमारे बैंक से हमने ट्रांसफर करी है और कुछ हमें इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम एंट्री फर्स्ट एंट्री की बात करें 1 जुलाई के अंदर, तो आप देख सकते हो कैश डिपॉजिट, यानी कि हमने बैंक में ये 50,000 रुपया नगद कैश जमा करवाया है। तो अब ये जो क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड होती है और ये जो स्टेटमेंट है ये बैंक की है, न कि हमारी खुद की है, हमारी बुक्स की है, ठीक है ना। तो हम इसकी एंट्री सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें बैंक का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और यहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर हम क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद बात आती है भी हम इसका ग्रुप क्या रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जैसे ही हम ग्रुप सिलेक्शन पे जाते हैं और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे को यहाँ पर तीन टाइप के ग्रुप है जो दिखाई देते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट और एक बैंक OD अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट्स का यानी कि जो पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, इस ग्रुप का हम यूज कब करते हैं, अगर हमारा कोई बैंक या तो करंट अकाउंट हो या फिर वो सेविंग अकाउंट हो या फिर वो FDR हो, तो इस कंडीशन के अंदर हम उसका ग्रुप है जो बैंक अकाउंट है जो सेलेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें बैंक OCC अकाउंट की, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, ये अगर हम करते हैं भी उस कंडीशन में करते हैं अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है और उस बैंक की हम एंट्री कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम बैंक OCC और OD का हम यूज करते हैं। ये दोनों एक तरीके की हमारी कंपनी के लिए लायबिलिटी का पार्ट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो इसका जो ग्रुप है वो करंट एसेट का है बैंक अकाउंट का,
और यही अगर हम यहाँ से बैंक ओसीसी अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो इसका लोन लाइबिलिटी का ग्रुप के अंदर ये बैंक ओडी अकाउंट है जो बना हुआ है। और सेम यही अगर हम इसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं बैंक ओडी अकाउंट को, तो बैंक ओडी अकाउंट भी एक तरीके का लोन लाइबिलिटी का अकाउंट है। तो अब ये हमारा करंट अकाउंट है। अब इसको हम कैसे पता चलेगा अभी ये हमारा करंट अकाउंट है या हमारा सेविंग अकाउंट है, तो वो हमारा स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा। अकाउंट का जो होल्डर का नेम है, अगर यहाँ पर किसी का पर्सनल नाम होता, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, अगर यहाँ पर किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का या किसी दुकान का नाम अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे तो इसका मतलब वो आपका करंट अकाउंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर पर्सनली नाम से अगर कोई होता, जैसे राम श्याम कोई भी नाम हो सकता है, तो इसका मतलब वो आपका सेविंग अकाउंट है। ठीक है, आजकल पर्सनल नाम से करंट अकाउंट भी खुलने लग गए, तो वो आपको अपने बैंक अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब रही बात, ये हमारा लोन अकाउंट है या बिना लोन का अकाउंट है, तो इसको यहाँ से देख सकते हैं भी बैंक ने हमारा पैसा जमा ही कर रखा है, यानी कि ये पैसा हम बैंक से मांग रहे हैं। तो अब आप कहोगे भी क्रेडिट का मतलब होता है भी हमें पैसा देना होता है, तो ये जो स्टेटमेंट मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, ये जो स्टेटमेंट है ये बैंक ने हमारे को दी है, तो ये बात बैंक बोल रहे हैं कि हमने आपको 50,000 रुपये देने हैं, हमारे अकाउंट में आपके 50,000 रुपये जमा पड़े हैं। तो ये बैंक की स्टेटमेंट है, हमको इसको हमारी बुक से इसको अपोजिट लेके चलना होता है। तो सबसे पहले हम बैंक ऑफ इंडिया का हम एक लेजर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर इसका ग्रुप हम रखेंगे बैंक अकाउंट का। ठीक है, और उसके बाद में आपकी अकाउंट्स की डिटेल वगैरह सारी आप अपने चेकबुक के या आपकी जो पासबुक स्टेटमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको देख कर हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। कंट्रोल ए के साथ मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन थी एज पर बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने 50,000 रुपये बैंक में जमा कराया। तो अब बात आएगी अगर हमें बैंक में कैश जमा करवाना होता है तो हम कौन से वाउचर का यूज करते हैं, वाउचर पे हम चलेंगे। तो अब हमें पता है कि जब भी हम बैंक में कैश अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो उस कंडीशन में हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं, यानी कि F4 कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, और यहाँ पर हम डेट यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा CR का, यानी कि आपने क्रेडिट कौन से लेजर को करना है वो लेजर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो अगर हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या बनती है, बैंक के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट सबसे पहला पूछा जा रहा है, तो हम कैश को यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। 50,000 रुपये हमने बैंक में कैश जमा करवाया तो कैश हमारा क्रेडिट रहेगा, बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा लेजर है वो हमारा डेबिट रहेगा। ठीक है, और उसके यहाँ पर बाद में हम इसकी सारी रिपोर्टिंग हम लिख सकते हैं भी किस टाइप के नोट हमने कितने कितने संख्या के अंदर हमने जमा करवाए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इंटरप्रेस करते हम इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो थी हमारी बैंक ट्रांजेक्शन की कैश डिपॉजिट करवाने की एंट्री। और उसके बाद में 1 तारीख के अंदर हमने 10,000 रुपये बैंक से निकलवाए भी हैं। यहाँ पे आप सेल्फ लिखा हो सकता है, विड्रॉल लिखा हो सकता है बैंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ये हमने चेक नंबर है जो इसका यूज किया था। तो यानी कि अब इस कंडीशन क्या क्या हो गया भी जो हमने बैंक में पैसा जमा करवाया इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन के अंदर भी हम कौन सा वाउचर यूज करने वाले हैं, कॉन्ट्रा वाउचर ही हमारा रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएंगे या फिर बैंक से विड्रॉल करते हैं पैसा नगद, तो उस कंडीशन में हम कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करते हैं। तो तारीख हमारी 1 जुलाई रहेगी, और उसके बाद में वापस फिर आपका क्रेडिट पूछा जाएगा। अब इस क्रेडिट के अंदर क्या हो रहा है, अगर हमने पैसा विड्रॉल किया तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी बुक्स में क्या बनेगी, हम कैश के अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे और बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट का ऑप्शन पूछा जाता है कॉन्ट्रा के अंदर, तो क्रेडिट हम करेंगे बैंक ऑफ इंडिया को, और यहाँ पर हम रखेंगे 10,000 रुपये। और उसके बाद के अंदर आप अपने जो भी आपने जो चेक यूज किया है उस चेक का नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई को, इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर डेबिट अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे कैश को, इंटरप्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यहाँ के साथ बैंक बैलेंस भी देख सकते हो भी आपका बैंक के अंदर 40,000 रुपये रह गए हैं। अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट के अंदर भी आप देख सकते हो अभी भी हमारा बैंक के अंदर है जो 40,000 रुपये और पड़ा है, क्योंकि हमने 50,000 रुपये जमा कराया था, 10,000 रुपये हमने विड्रॉल कर लिया, तो बैंक के अंदर अभी हमारा 40,000 है। तो ये आपका टेली सॉफ्टवेयर के साथ साथ बैलेंस भी आप करंट बैलेंस है जो देख सकते हो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 2 ट्रांजेक्शन एंट्री पास कर ली है।
और उसके बाद में 1 जुलाई के अंदर हम देख सकते हैं भी ट्रांसफर बैंक ऑफ बड़ौदा BOBN की। अब इसका मतलब ये हो गया भी हमारे पास हमारी कंपनी का एक बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक अकाउंट और है, तो यानी कि अब हमारा इसमें से 40,000 में से हमने 2,000 रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी के अंदर हमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक लेजर है जो और क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए वापस हम क्रिएट पे चलते हैं, लेजर पे जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये आपका करंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, वो आपको एक बार देख लेना है। तो मैं भेज इसको सेविंग अकाउंट मान के चल रहा हूं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मैंने बैंक अकाउंट यहां पर लेके दिया और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर दिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन हमारी हो रही है ये किस टाइप की ट्रांजेक्शन हो रही है, हमारी बैंक टू बैंक ट्रांसफर एंट्री हो रही है ये वाली, ठीक है ना। अब क्योंकि हमारा ही बैंक है और जिस बैंक से हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी हमारा ही बैंक है, तो इस कंडीशन के अंदर इसको हम बोलते हैं बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री। वाउचर पे हम जाएंगे, अब इस कंडीशन के अंदर भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करते हैं बैंक टू बैंक। अब इस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हो क्या जनरल एंट्री बन रही है, यानी कि हमने बैंक ऑफ इंडिया से 2,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जमा कराए हैं, तो यानी कि अब इसके ट्रांजेक्शन सीधा सीधा बन रहा है कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया का जो केस है उसके अंदर हमारा बैलेंस कम हो रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो हमारा बैलेंस है वो बढ़ रहा है। तो अब एक अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होगा और एक का इंक्रीज हो रहा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं और बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्रेडिट अकाउंट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट हम करेंगे बैंक ऑफ इंडिया को, जितने भी हमने अमाउंट जमा कराई है 2,000 रुपये की। तो अब यहाँ पर आपने चेक अगर यूज किया तो चेक का नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे और डेबिट हम कौन से बैंक को करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो भी बैंक के अंदर आपका जो बैंक ऑफ इंडिया उसके अंदर बैलेंस अब आपका 38,000 रुपये रह गया है ये एंट्री करने के बाद में। अगर हम स्टेटमेंट के अंदर देखें तो स्टेटमेंट के अंदर भी आपका ये कह रहा है अभी आपका पैसा जो 38,000 रुपये बैंक के अंदर हो रह गया है। इंटरप्रेस करते हम इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री। अब उसके बाद के अंदर 2 तारीख के अंदर 1,520 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर आए हैं, यानी कि पैसा हमारा इस बैंक के अंदर जमा हुआ है। तो अब ये जमा कहाँ से हुआ है, अब कई बार आपके पास इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कस्टमर का नाम आ जाता है, तो कई बार आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, या कई बार सीधा ओनली ट्रांसफर फॉर्म लिखा होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको वो जानना जरूरी होता है भी ये जो पैसा आपका आया है बैंक के अंदर ये कौन से कस्टमर से आया है, यानी कि कहाँ से आया है। तो वो आपको या तो बैंक जाके पता करना पड़ेगा या फिर आपका जो ये बैंक की कंपनी के जो ओनर है मैनेजर है उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा भी ये 1,520 रुपये कौन से कस्टमर के हमारे पास आए हैं, क्योंकि ट्रांसफर फॉर्म के अंदर आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा भी ये पैसा किसका आया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब आपको अगर आपको ऑलरेडी पता चल जाता है तो हम उस कस्टमर के जमा करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे ये हमारा एज ए सस्पेंस अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट के अंदर हम इसकी एंट्री को पास करेंगे। अगर आपको किस कंडीशन में सस्पेंस की एंट्री पास करनी है, अगर आपको ये पैसा अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आया हुआ है, तो अब आपके पास बैंक में पैसा आया है किसी थर्ड पार्टी का, आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, थर्ड पार्टी का पैसा आपके पास आया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम टैली सॉफ्टवेयर में रिसिप्ट वाउचर का जो यूज करते हैं यानी कि F6 हम यूज करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपका एक बार ट्रांजेक्शन नंबर अगर आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो ताकि आपको इन फ्यूचर पता रहे इस ट्रांजेक्शन से हमारे पास में एंट्री आई है। तो तारीख हमारी 2 जुलाई और उसके बाद में क्रेडिट हम किसको करने वाले हैं, सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। और अगर आपके पास कस्टमर का नाम पता है तो आप उस कंडीशन में उस कस्टमर का नाम यहाँ से डायरेक्ट है जो सेलेक्ट है जो कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का पैसा है, मेरे को पता चल गया तो मैं सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, और लेकिन नहीं पता चल रहा तो उस कंडीशन में हम सस्पेंस का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारा बैंक बैलेंस है जो वो साथ के साथ टैली रहे। तो हमें सस्पेंस का एक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो ग्रुप है वो सस्पेंस अकाउंट ही रखेंगे, ठीक है। और अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1,520 रुपये सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट करेंगे और बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो जैसे हमने बैंक ऑफ अकाउंट को इंडिया को डेबिट किया तो आप देख सकते हो बैंक का बैलेंस जो 39,520 रुपया आ चुका है, और एक्सेल में देखेंगे तो एक्सेल के अंदर भी हमारा 39,520 रुपये का बैलेंस जो
बढ़ चुका है 1520 रुपए से। एंटर प्रेस करेंगे तो हम एक बार यहाँ पर आपको ट्रांसफर है तो हम लिख देंगे एक बार हमारा ये ऑनलाइन ट्रांसफर है। तो और यहाँ पर आके कौन से बैंक से है अगर आपको बैंक का पता है तो हम यहाँ पर बैंक की डिटेल भी ला देंगे कि हमारे के दिन एक बार ये हमारा PNB बैंक से पैसा आया है ताकि हमें पता चले। और यहाँ पर भी हम एक बार लिख देंगे भी सस्पेंस है, पता नहीं लग रहा किस पार्टी का है। जैसे हमें पता चलेगा हम सस्पेंस के अकाउंट को यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, ये एंट्री भी हमारी पास हो चुकी है। और उसके बाद में 2 जुलाई के अंदर ये हमारा बैंक चार्जेज लगा हुआ है कितने रुपए का, 50 रुपये हमारी बेसिक अमाउंट है और इसके ऊपर हमारा जो 9 रुपये है वो चार्ज भी लगा हुआ है 18% के हिसाब से सर्विस चार्ज। तो अब यहाँ पर बात आती है भी अगर आपकी कंपनी जो बैंक चार्जेज लगती है और उस बैंक चार्ज के ऊपर जो टैक्स लगता है GST का, CGST और SGST का, अगर उसका टैक्स ITC लेने के लिए एलिजिबल है तो हम उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी इसका ITC है जो क्लेम नहीं करती है, डायरेक्ट आपकी बैंक चार्जेस के अंदर ही एंट्री करती है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि हमारी कंपनी CGST का और SGST का ITC है जो लेती है बैंक सर्विस में। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें परचेज वाउचर का जो यूज करना पड़ेगा, किस कंडीशन में यूज करना पड़ेगा, जब अगर हमारी कंपनी बैंक चार्जेस के ऊपर जो GST लगा हुआ है उसका GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें लेना है, यानी कि इनपुट टैक्स का क्लेम हमें करना है। और परचेज वाउचर पे हम जाएंगे और यहाँ से हम चेंज मोड करेंगे। ये जो परचेज वाउचर हम सिंपल किस कंडीशन में करते हैं, जब हम किसी परचेज वाउचर की स्टॉक आइटम की एंट्री को करते हैं, लेकिन अब ये हमारी सर्विस है तो हम चेंज मोड करेंगे और इसको हम यहाँ से एज ए वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे इसको वाउचर को सेलेक्ट करेंगे आपके स्टॉक आइटम की डिटेल वगैरह सब कुछ है जो हट जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक चार्ज, ठीक है, आपका रेफरेंस नंबर आप कुछ भी डाल दो जो भी, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा इनवॉइस नंबर भी बनता है इसका, तो आप वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिख सकते हो इस वाउचर नंबर में भी और सप्लायर के इनवॉइस नंबर के अंदर भी आप यहाँ से लिख दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने 44 एक बार लिख दिया। और अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट हम कितनी अमाउंट को करने वाले हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा हम करेंगे 50 रुपये तो आपका बेसिक चार्ज है और 9 रुपये आपका टैक्स है, तो यानी कि 59 रुपये से हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब उस कंडीशन के अंदर अब आपका जो बैंक चार्जेस का एक लेजर आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। इंटरफेस करेंगे बैंक चार्ज, तो मैं यहाँ पे बैंक चार्जेस एक बार हिंट के अंदर दे रहा हूँ टैक्सेबल, ताकि मेरे को पता चले भी इस बैंक चार्ज पे मैंने जो टैक्स है वो क्लेम किया हुआ है। और इसको मैं ग्रुप रखूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और उसके बाद में इसके ऊपर GST एप्लीकेबल है तो मैं जिसको GST एप्लीकेबल भी करूंगा। और इस कंडीशन के अंदर इसका जो HSN कोड वगैरह वो यहाँ पर मैं स्पेसिफाइड डिटेल के अंदर यहाँ पर प्रेस करूंगा, जो भी इसका बैंक चार्जेस का HSN कोड होता है, और उसके ऊपर GST भी हमारी कितनी लगी है वो भी मैं यहाँ से GST टाइप करूंगा, 18% की GST इस पे लगती है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर मैं इसको सर्विस रखूंगा, ये हमारी कंपनी के लिए सर्विस है। एंटर प्रेस हमने किया तो अब यहाँ पर जो इसके टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 50 रुपये की, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम डेबिट करेंगे CGST के अमाउंट को, और CGST के अमाउंट हमारी है 4.50 रुपये की, और SGST की भी अमाउंट 4.50 रुपये। एंटर प्रेस करते हैं, इस वाउचर को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। ये वाउचर की एंट्री हम किस कंडीशन में करेंगे, अगर आपकी कंपनी ITC ले दी है तो, अदरवाइज आपकी कंपनी ITC लेती नहीं है लेकिन आपको 59 रुपये से बैंक चार्जेस दिखाना है तो उस कंडीशन के अंदर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। तो पेमेंट वाउचर के दौरान भी जो भी वाउचर नंबर आपका लगा होगा वहाँ वाउचर नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर मैं एक बैंक चार्ज का एक अलग से लेजर क्रिएट करता हूँ नॉर्मल, जिसके ऊपर मैंने कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं करनी है, तो ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और उसके बाद में GST इसके ऊपर मेरे को नोट एप्लीकेबल करना है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर 59 रुपये बैंक चार्ज को हम डेबिट करेंगे और बैंक ऑफ इंडिया को हम क्रेडिट करेंगे, सिंपल एंट्री पास हम कर देंगे, ठीक है। ये तो थी हमारी बैंक ट्रांजेक्शन की एंट्री, और इस तरीके से हमने एक पार्टी को पेमेंट यहाँ पर करी है, दिल्ली ट्रेडर्स को चेक नंबर हमने यूज किया है, तो ये हमने पेमेंट करी है तो इसके लिए हम ये पेमेंट वाउचर का हम यूज करेंगे। तो चेक नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे और हमने जो पेमेंट करी है वो दिल्ली ट्रेडर्स को करी हुई है, तो दिल्ली ट्रेडर्स को हम अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कौन से बैंक से हमने करी है
उस कंडीशन के अंदर हम बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम चेक की डिटेल वगैरह, कौन सा बैंक वगैरह हम यूज करते हैं, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से लिख सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे और वाउचर करेंगे, यानी कि हम पेमेंट कंडीशन में क्या करते हैं, पार्टी के अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक की जो अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद में एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है कि हमने एक एफडीआर कराई है, ठीक है ना, एफडी कराई है और एफडी के अंदर हमने कोई नगद पैसा जमा नहीं कराया, हमारे बैंक अकाउंट से हमने ऑनलाइन है जो नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिया 11,000 रुपये का। तो अब हमारे बुक्स के अंदर एक एफडीआर का एक नया लेजर है जो और क्रिएट होगा। क्रिएट पे हम जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे एफडीआर का, ठीक है। और एफडी का जो अकाउंट है वो भी हम बैंक अकाउंट के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि ये भी हमारा बैंक का ही अकाउंट है। जब हम एफडीआर कराते हैं तो बैंक हमारे बैंक की तरफ से एक अकाउंट नंबर हमें प्रोवाइड करवाया जाता है, तो हम एफडीआर करेंगे, बैंक अकाउंट इसका ग्रुप रखेंगे, ठीक है। अब इसकी ट्रांजेक्शन क्या रहेगी, अब ये भी एक तरीके की बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट हम किस बैंक को करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से पैसा जो निकला है, तो बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 11,000 रुपये से, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने जो एफडीआर का जो एक लेजर क्रिएट किया है वो हम डेबिट करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं हम इसको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सारा कुछ कि कौन सा बैंक है, कौन से बैंक के अंदर हमने कराई है। अगर आपका सेम बैंक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी हमने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही कराई है, पीएनबी में कराई है, एचडीएफसी में कराई, कौन से बैंक में कराई, तो यहाँ पर हम इसको बैंक का नाम है जो लिख सकते हैं भी कौन से बैंक के अंदर हमने पैसा ये ट्रांसफर किया हुआ है, एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये एफडीआर की भी एंट्री होगी है। और अब मान लीजिए आपका कोई इंटरेस्ट आपको मिला है बैंक में, तो यानी कि इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है 235 रुपए से, तो अब इस कंडीशन में हमें पैसा आया है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में कौन से वाउचर का हम यूज करने वाले हैं, रिसिप्ट वाउचर का। तो हम रिसिप्ट वाउचर पे जाएंगे, ठीक है, और यहां पर हम क्रेडिट अब किसको करने वाले हैं, बैंक इंटरेस्ट को। एल्ट सी के साथ हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट। आपका बैंक इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, हम रिसिव का एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो अब ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम है, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। और जो हमारी अमाउंट है 235 रुपये, इंटरेस्ट का अमाउंट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि इनकम हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, और बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए उस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी ट्रांजेक्शन हमने कर ली है। तो अब सबसे पहले हम बैंक ऑफ इंडिया का एक बार लेजर हम टैली करते हैं स्टेटमेंट के साथ। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर सिलेक्ट कर लिया। और अगर यहाँ पर इसकी बैलेंस की हम बात करें तो सॉफ्ट आपका जो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस आ रहा है 13,496 रुपया, ठीक है। और टैली सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर आपका आ रहा है 13,437 रुपये। कारण क्या रहा है कि हमने ये बैंक चार्जेस की दो बार एंट्री यहाँ पर कर रखी है। एक एंट्री हमने आईटीसी लेने के पर्पज से हमने एंट्री करी थी, और दूसरा हमारी जो बेसिक नॉर्मल एंट्री है उस कंडीशन में करी थी। तो अगर आपकी कंपनी एलिजिबल है तो आपको ये एंट्री डिलीट कर देनी है, अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको ये परचेज वाली एंट्री है जो डिलीट कर देनी है। तो मैं एल्ट डी के साथ डिलीट कर देता हूँ एक वाउचर को। तो अगर अब हम इसका बैलेंस देखें तो हमारी बुक्स कहती है 13,496 रुपये डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है, यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी हमारी बुक्स कह रही है भी हमने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमारा बैलेंस इतना पड़ा हुआ है, और उधर स्टेटमेंट भी आपका यही कह रहा है भी 13,496 रुपये का आपका पैसा हमारे पास में जमा हुआ है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी बुक्स के साथ है जो टैली हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक लेजर हमने और क्रिएट किया था बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हमने 2,000 रुपया पैसा ट्रांसफर किया था, तो वो अभी भी हमारा बैलेंस है जो डेबिट साइड के अंदर 2,000 रुपये आ रहा है, यानी कि हम ये कह रहे हैं भी हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2,000 पैसा 2,000 रुपये अभी भी पड़ा हुआ है। और इधर है एक हमने लेजर एफडीआर का क्रिएट किया था, तो एफडीआर भी हमारा बैंक के अंदर 11,000 रुपये से डेबिट आ रहा है। तो इस तरीके से हम बैंक टू बैंक की ट्रांसफर एंट्री, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर का हम यूज करते रहते हैं। तो अब आप जैसे भी आपकी मतलब जिस कंपनी में आप अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, तो उसी अकाउंटिंग अकॉर्डिंग आप अपने चेकबुक से, कैश बुक की जो आपने डिपॉजिट कराई उससे, स्लिप से, ये सारी ट्रांजेक्शन आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो अगर आज की वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर देना।